पिछले एक घंटे से गाड़ी चलाए जा रहा हूँ लेकिन पता ही नहीं लग रहा है कहाँ जा रहा हूँ। इतनी खतरनाक वाली एक्सीडेंट हुआ ना जिसका जवाब नहीं, 10 फीट आगे जा करके गिरा। तो ये भाई कुछ गाड़ी के हालात, ये देखो इतनी जोर के टक्कर लगी थी ना कि इसका वाइजर टूट गया। सुबह सुबह ऐसे नज़ारे मिल जाए जिंदगी में और क्या चाहिए यार, है ना। और जो सामने दिख रहा है ना आपको वो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। दिस इज एंडी राजपूत ऑन मोटो ब्लॉग मूड। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सुबह के 6 बजे हैं वैसे और यहाँ से अब निकलते हैं नेक्स्ट राइड के लिए। और नेक्स्ट राइड कहाँ होने वाली है? पुणे। तो चलो जी शुरू करते हैं आज की राइडिंग। और आज का जो डेस्टिनेशन है वो है पुणे। तो आज की राइडिंग की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम, जय भोलेनाथ। पुणे यहां से 600 किलोमीटर दिखा रहा है और लगने वाले हैं पूरे 12 घंटे। और मैं निकला हूं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 9 बजे। अब देखते हैं मैं टाइम पे पहुंचता हूँ या फिर और टाइम लगने वाला है। तो और बताओ भाइयों, क्या हाल? मौज चल रही है ना भाई साहब? मौज चलती रहनी चाहिए, मौज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना भाई साहब? पहाड़ों की बात ही कुछ और है यार, रियली मज़ा आ जाता है पहाड़ की हरियाली देख करके। वैसे आपको पहाड़ों में हरियाली के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ का शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना, ओ माय गॉड, रियली आई लव इट। कल इसी नदी की बात कर रहा था, कल देखो पूरा पानी सूखा हुआ था, आज पानी आ गया। कल सिर्फ पत्थर पत्थर ही दिखाई दे रहे थे ना यहाँ पे, और आज पानी दिख रहा है। इसका मतलब है कि पानी छोड़ा होगा उधर बांध से। चलो जी चलो, बहुत हो गया। पिछले एक घंटे से गाड़ी चलाए जा रहा हूँ लेकिन पता ही नहीं लग रहा कहाँ जा रहा हूँ। एमपी के पता नहीं किस किस गांव से लेकर के आ रहा है ये रूट। मुझे तो लग रहा था कि मुझे ये वापस नागपुर ले जाएगा और फिर नागपुर से वो मुंबई आगरा हाईवे से मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कौन कौन से गाँव से लेके जा रहा है यार। बट ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है ये। इस रूट पे छोटे छोटे गांव है लेकिन खूबसूरत है और काफी हरियाली भी है। वाओ, ये कौन सा डैम है यार? डोंट नो कौन सी नदी है, कौन सा डैम है उधर। आज का मौसम भी काफी शानदार है, ऐसा ही रहे बस। बट बारिश होने के आसार तो पूरे पूरे हैं भाई। बट आप उनको क्या करना है, आप उनको तो बारिश हो या धूप हो, बस राइड करनी है जब निकल पड़े हैं राइडिंग पे। तो किसी भी तरीके से कन्याकुमारी पहुंचना है एज सून एज पॉसिबल। जिंदगी की मेरी पहली राइड, वो भी इतनी लंबी, दिल्ली टू कन्याकुमारी एंड कन्याकुमारी टू दिल्ली। और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल राइडर नहीं हूं, मैं अभी अभी बाइक राइडिंग करना शुरू किया है, वो भी इंडिया घूमने के लिए। बिकॉज कि बाइक से अच्छा कोई साधन है ही नहीं। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे बाइक लेनी है और उसके बाद पूरे इंडिया को कवर करना है, पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करना है, इंडिया की खूबसूरती को देखना है और आप लोगों को दिखाना है। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला जो वीडियो होगा एपिक वाली वीडियो होगी। और सामने मुझे लगता है कि बारिश हो रही है,
और घमासान बारिश है सामने। भाई साहब क्या किया जाए। A few moments later. पीछे इतनी बारिश होने लगी थी जिसका जवाब नहीं, आधा घंटा वेट किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार अगर मैं रुक जाऊंगा तो फिर मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा नहीं, मुझे आज पुणे पहुंचने हैं। और पुणे पहुंचने के लिए अभी भी मुझे यहां से 9 घंटे दिखा रहा है, तो अगर रुक जाता तो फिर लेट हो जाता, इसलिए मैं सोचा कि चलो भाई अब जो होगा देखा जाएगा। पूरा गीला हो चुका हूँ अभी, इधर राइड कर रहा हूँ तो एकदम ठंडी ठंडी लग रही है। चलो कोई नहीं सूख जाएगा। यार इन ट्रक वालों के ना यार देख लो, ये ना ये जो दो दो साथ साथ चलने लगते हैं ना, ये बहुत देर तक साथ साथ चलते रहेंगे, बहुत परेशान करते हैं ये। और दिन में नो एंट्री खुल जाती है ना भाई इन लोगों की। अब ये देख लो इन ट्रकों के साइड से जितना जल्दी निकल जाओ वही अच्छा है, वरना कुछ भी हो सकता है। वाओ व्हाट अ पैच यार, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ओ माय गॉड ये ट्रक वाले ना, इतना धुआं निकल रहा है इनके। ओहो व्हाट अ ब्यूटी मैन, ये देखो विंड मिल के पंखे, भाई साहब इतने बड़े हैं। वैसे आप देखोगे तो छोटे छोटे लगते हैं दिखने में, इनके पंखे देखो कितने बड़े हैं। ओ माय गॉड देखो, ओ गॉड इतने लंबे जिसका जवाब नहीं। वैसे आप विंड मिल को देखोगे तो आपको लगेगा छोटे छोटे पंखे हैं एकदम, भाई लंबा। ओ माय गॉड इतना लंबा था जिसका जवाब नहीं। चलो 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 जी चलो 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 निकलो निकलो भाइयों निकलो 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 निकलो। ओहो ये है चेक पोस्ट, पता नहीं बंद क्यों है। तो चलो जी टोल गेट आ गए हैं, आज का ये दूसरा टोल गेट है ये। आय हाय क्यों बच्चे की जान लोगे भाई, इतने बड़े बड़े ब्रेकर बना के बाइक वाले को तो बक्स दो। बार बार बैग इधर से उधर हो रहा है यार, इसको सही करना पड़ता है, पैनियर्स ही लगवाना पड़ेगा मुझे लगता है, बिकॉज कि बैग को इधर से उधर खिसकाने में ना कंसंट्रेशन जो है डिस्ट्रैक्ट होता है। देखते हैं, देखो इन भाइयों को फिर से, ये लोग है ना भाई ऐसे करते हैं ना। चलो 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 जी चलो 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 जान दो भाई जान दो, जिंदगी में इसी चीज की कमी थी यार, रियली बहुत मिस कर रहा था। एक लंबे अंतराल से सोच रहा था रोड ट्रिप करनी है रोड ट्रिप करनी है, लेकिन कैसे करनी है कभी डिसाइड नहीं कर पाया था। हेलो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो वंस अगेन। यार कल इतनी बड़ी टक्कर हुई जिसका जवाब नहीं, और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं उस हालात में नहीं था, उस पोजीशन में नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं। हुआ ये कि मैं ओंकारेश्वर से निकला और ओंकारेश्वर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर ठिकड़ी करके एक जगह है, तो वहाँ पे मैं रोड क्रॉस कर रहा था। तो क्या हुआ कि मेरी गाड़ी 110 के स्पीड में थी और मेरे आगे एक मोटरसाइकिल चल रही थी जिसपे दो लेडीज बैठी हुई थी और एक जेंट्स था और दो बच्चे थे छोटे छोटे, और वो भी स्पीड में था और मैं उससे करीब 10 मीटर की दूरी पे रहा हूँ। मैं उसने ऐसा ब्रेक मारा जिसका जवाब नहीं, और मैं 10 मीटर की दूरी पे 110 की स्पीड से मेरी गाड़ी थी, मैं गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी जाते जाते ऐसी ठुकी जिसका जवाब नहीं, और मैं उछलता हुआ एकदम रोलिंग करता हुआ मैं पहुंच गया 10 मीटर के आगे। मैं 2 मिनट तक वैसे ही रास्ते पे ऐसे ही एकदम पड़ा रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि करूं तो करूं क्या।
फिर अपने आप को संभाला, उठा। उसके बाद क्या हुआ कि लोग इकट्ठा हो गए, किसी ने कहा कि पुलिस कंप्लेन करो, किसी ने कहा कि भाई हॉस्पिटल ले जाओ, किसी ने कहा कि भाई कुछ करो कुछ करो, मतलब ऐसी चीज़ें। उसमें से कुछ एक दो अच्छे लोग भी थे। अब मैं ये नहीं चाहता था कि पुलिस का मामला बने, क्योंकि पुलिस का मामला बनता तो जो मेरा ट्रिप चल रहा था वो डिले हो जाता, हो सकता है मुझे वहीं पे कुछ दिन रहना पड़ता जब तक वो लेडीज ठीक नहीं हो जाती है। मतलब समझ रहे हो कि जब पुलिस का मामला बनता है ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते भाई, जो सामने वाला कहेगा आपको वही करना पड़ेगा, क्योंकि टक्कर तो मैंने मारी थी ना। तो मैं ये नहीं चाहता था कि भाई पुलिस का मामला बने, पुलिस आए और मैं, तो किसी ने कहा कि आप कुछ पैसे दे दो इसको और उसके बाद इसको दफन करो, क्योंकि उससे ज़्यादा चोट मुझे भी आई थी। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर या तो डिसलोकेट हो गया या फिर क्रैक हो गया, क्योंकि मैं उठ नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा भाई ठीक है, आप 2000 रुपये ले लो और माता जी का इलाज करा दो, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है। फिर उसके कान में कोई और जाके भर दिया कि नहीं भाई 2000 मत लो, कम से कम 5000 रुपये लो। तो ऐसे वैसे करते 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 ना बात बनी 4000 रुपये पे। मैंने फिर उसको 4000 रुपये दिए और उसके बाद मैंने सोचा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो, क्योंकि लोग बहुत इकट्ठा हो गए थे और कह रहे थे कि पुलिस बुला लो पुलिस बुला लो, तो मैं ये सब नहीं चाह रहा था। फिर मैं गाड़ी स्टार्ट किया और वहाँ से निकल गया। उसके बाद नॉन स्टॉप मैंने उसी सिचुएशन में 150 किलोमीटर गाड़ी चलाया। उसके बाद फिर मैं रुका और फिर मैंने अपने रिलेटिव अपने दोस्तों को इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है मेरे साथ। भाई वो एक ऐसा सिचुएशन था ना कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कौन से दौर से गुजर रहा था। वो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि यार कैसे हो गया, क्या हो गया, मतलब किसकी गलती है ये कहा नहीं जा सकता, मेरी गलती थी या उसकी गलती थी। आप ये समझ सकते हो कि 10 मीटर की दूरी पे कोई बंदा है और आपकी गाड़ी 110 की स्पीड से चल रही है, तो फिर कितना आप कंट्रोल करोगे, कितना दोनों ब्रेक दबाओगे। भगवान की कृपा है जो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं महाकाल के दर्शन करके आया था, उसके बाद फिर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग गया था, वहाँ भी दर्शन करके आया। तो ये सब प्रभु की कृपा थी, जो इतनी बड़ी टक्कर होने के बाद भी मैं सही सलामत बच गया और सामने वाले को भी कुछ नहीं हुआ। तो बाइक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, तो अब मैं सोचता हूँ कि पहले बाइक की प्रॉब्लम ठीक करा लूँ और अपने आप को रिकवर कर लूँ, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं बाइक नहीं चला सकता। क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में कल बाइक चला रहा था, उस सिचुएशन में भी जहाँ जहाँ मैं रुकने की कोशिश की वहाँ वहाँ मैंने गाड़ी को पटक दिया, क्योंकि मैं गाड़ी को संभाल नहीं पा रहा था, पैरों पे खड़ा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा पैर हमेशा बैंड रहता था और जैसे ही गाड़ी खड़ी करने के लिए दोनों पैर नीचे किया तो वो मेरा पैर उसको संभाल नहीं पा रहा था गाड़ी को, तो मैंने कई बार उसको पटकाया। बस उसी सिचुएशन में मैं लेकर के आया पुणे। फिर मैं 11 बजे पुणे पहुंचा, यहाँ पे होटल लिया और उसके बाद सीधा पड़ गया। मैंने कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, पहले चलते हैं, सबसे पहले हॉस्पिटल जाऊँगा और उसके बाद गाड़ी में जो प्रॉब्लम आई है उसको ठीक कराऊँगा। उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गोवा। तो ये भाई कुछ गाड़ी के हालात, ये देखो इतनी जोर के टक्कर लगी थी ना कि इसका वाइजर टूट गया और ये दोनों सेफ्टी गार्ड टेढ़ा हो गया था इधर, बट इसको तो हाथ से खींच खींच करके सीधा किया है, और ये ब्रेक पैड बिल्कुल टेढ़ा हो गया, ये ऊपर आ गया। यहाँ पे पैर रखने में बनता नहीं जब वो राइडिंग शूज पहनो तो, देख रहे हो ये बहुत ही बुरा हाल है। मुझे लगता है ना कि इसका जो ब्रेक पैड है ना, ये मुझे चेंज करवाने पड़ेंगे, बिकॉज कि ब्रेक लग नहीं रहा सही से। तो बहुत ही खतरनाक वाली टक्कर हुई कल, और अभी जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर। मैं सोच रहा हूँ कि ये भी चेंज करा दूँ, और ये देखो ये सारे लूज हो गए बिल्कुल, इतनी जोर की टक्कर पड़ी ना कि भाई क्या बताऊँ। तो कल भाई इतनी खतरनाक वाली एक्सीडेंट हुआ ना जिसका जवाब नहीं, क्या बताऊँ आपको।
ऐसी जोर की टक्कर लगी कि भाई मैं ना रोलिंग करते हुए 10 फीट आगे जा कर के गिरा। भगवान की कृपा है कि मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं सही सलामत बच गया। महादेव ने बचा लिया यार, नहीं तो जिस प्रकार की टक्कर हुई थी ना भाई साहब, मैं हॉस्पिटलाइज होता या फिर तो मैं सीधा निकल गया होता ऊपर। तो अभी जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर। ब्रेक का जो पैडल है वो ख़राब हो गया, वो ऊपर आ गया, तो जब राइडिंग शूज पहन करके पैर रखो ना तो पैर ठीकता नहीं, वहाँ पे ब्रेक दबता है, तो उसको ठीक कराऊंगा। और जो सेफ्टी गार्ड है आगे लगा हुआ उसको सीधा करवाऊंगा। ये जो वाइजर है वो सोच रहा हूँ नया लगवा दूँ, मतलब टक्कर से जो थोड़ी बहुत नुकसान हुआ है ना उसको सही करा लूँ यार। और जब टक्कर हुआ उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज़ कि मैं उस हालात में नहीं था। मेरे पैर में इतनी चोट लगी है जिसका जवाब नहीं। चोट लगने के बाद मैं 500 किलोमीटर राइड किया हूँ रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर। ये रहा ना, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, उसके पास तो इतनी भीड़ लगी है जिसका जवाब नहीं है। बोला नहीं सर, नहीं कर सकता, मेरे पास ऑलरेडी बहुत गाड़ियाँ क्यू में हैं। तो उसने दूसरा एड्रेस दिया है कि आप वहाँ पे चले जाइए, हो सकता है वहाँ पे आपका काम हो जाए। आई होप कि वहाँ पे थोड़ी बहुत जो त्रुटि है वो ठीक हो जाए, क्योंकि गाड़ी टंच रहनी चाहिए भाई जब आप लॉन्ग रूट पे निकलते हो ना, ये बहुत ज़रूरी है। पुणे लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, वो भी बाइक से। ये उम्मीद नहीं थी मुझे कभी कि बाइक से आऊँगा। कहते हैं ना, जो डेस्टिनी में लिखा होता है वही होता है। एक यही है आसपास में दूसरा जो उसने एड्रेस दिया था, देखता हूँ यहाँ पे हो पाता है या नहीं। कहाँ गया भाई, यहीं पे होना चाहिए, मैप तो यहीं पे दिखा रहा है। किधर गया किधर गया, यहीं पे होने चाहिए। पूछते हैं जा करके हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो चलो भाई, फाइनली हो गया, जो त्रुटि थी गाड़ी में वो फिक्स हो गया। विंडशील्ड लगवा लिया नया और ब्रेक पैडल चेंज करवा दिया, और उसके बाद ब्रेक पैड चेंज करा दिया, और बस यही सब काम हुए हैं। और वो जो सामने जो सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है ना उसको उसने सीधा किया है। बस पूरा दिन इसी में लग गया वैसे, बट ओवरऑल आप गाड़ी चला के मज़ा आ रहा है। पिकअप ऐसे पकड़ती है गाड़ी सर्विस के बाद जिसका जवाब नहीं। शाम के 7:15 हो रहे हैं अभी, और अब मैं जा रहा हूँ होटल, और उसके बाद कल मॉर्निंग में मैं यहाँ से निकलूँगा गोवा के लिए। पैर में जो जख्म है वो थोड़ा सा दर्द कर रहा है, डॉक्टर ने कहा कि आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दो दिन रेस्ट कर लो और उसके बाद आप राइड कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं कल मॉर्निंग में निकल जाऊँगा यहाँ से गोवा के लिए। ट्रैफिक के मामले में पुणे भी कम नहीं है, बहुत है भाई ट्रैफिक यहाँ भी, और ख़ास करके यहाँ पे ना गूगल मैप आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा भाई। मुझे सुबह से इतना मैनिपुलेट किया है, कभी इस रास्ते से जाओ, कभी उस रास्ते से जाओ, कभी उस रास्ते से जाओ, समझ में ही नहीं आता कौन कौन से कट से मुझे लेके जा रहा था। तो गूगल मैप पुणे में बहुत कंफ्यूज करता है यार। सर्विस के बाद मक्खन हो गया एकदम गाड़ी, ब्रेक जो है ना एकदम खच से लगता है सर्विस के बाद। गला कड़ ऐसे लग गया होता ना तो एक्सीडेंट नहीं होता। चलो, जो लिखा होता है किस्मत में वही होता है। ये एक सबक था मेरे लिए कि भाई मैं ज़्यादा तेज़ राइड ना करूं। भोलेनाथ ने सबक दे दिया भाई, ठीक है राइड कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल में, कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो वही बात है, कल एक बहुत बड़ा सबक मिला, अब मैं ज़्यादा फास्ट राइड नहीं करूंगा। ओ माय गॉड, सुपर जाम है यार,
सुपर जाम है सुपर। चलो गाइस मेरा होटल आ गया, यहीं पे है कहीं। सीधा सीधा, ओ भाई आराम से। किधर गया? हाँ आ गया मेरा होटल। I'll never get it right. I try to follow my heart, but I lost it somehow.